ई अहमद जी बड़े नेता थे और केरला में इनका खास विशेष करके प्रभाव है। एक पार्टी के नेता भी थे, साथ में हम लोग का काम किए। महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण के दौरान ही उनको हार्ट अटैक हुआ, जबकि वो देश के प्रति उम्मीद काफी उनको उम्मीद थी कि राष्ट्रपति के भाषण में और बजट जो आ रहा है इससे देश के लोगों का जो नोटबंदी से बदहाली हुई है उसमें सुधार होगा, तो उनका हार्ट अटैक हो गया। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, खुदा से प्रार्थना करता हूं कि जन्नत में उनको ऊंचा स्थान मिले। और ये बजट को आज बजट पेश नहीं करना चाहिए, डिफर कर देना चाहिए कंडोलेंस करके। और वो सीटिंग भी थे, सीटिंग है और ये परंपरा रहा है कि सीटिंग जब भी कोई भी किन्हीं का निधन होता है तो बंद हो जाता है, हाउस बंद हो जाता है, तो एक दो दिन के बाद अपना बजट पेश करे, कौन लाठी चला रहा है आदमी। लेकिन ये ठीक परंपरा का बीजारोपण नहीं होगा। ये जो कर रहे हैं ये गलत परंपरा, एक तो रेल बजट को भी क्लब कर दिया, उसमें किसी को मौका मिलेगा कि नहीं कुछ बोलने का, इसलिए इसको डिफर करें।